वो असी देखो मेरे मम्मी पापा जो है शुरू तो ही कर रहे सी, 10 साल हो चुके आ, और ये रेंट ते घर लिता हुआ 5 साल हो चुके आ, जो कि मेरे अपने महल्ले में जिहड़े डॉग रहिंदे सी बच्चे, वो बहुत ज़्यादा आले आले दुआले के लोग परेशान हो चुके सी क्योंकि सारा दिन भौंकते सी। और 25 कुत्ते फिर मैं बाद विच इत्थे शिफ्ट कर दिते जो रेंट ते घर लिता है, और 5 साल हो गया सानू सेवा करते हुए। सवेर का खाना, दोपहर का, सारा कुछ 2 टाइम का खाना खुद ही बनाने हैं दोनों ही सिस्टर रल मिल के, और इतों तक कि आप सफाइयाँ भी खुद करते हैं सवेरे शाम दोनों ही टाइम, कि सारा दिन सफाइया ही निकल जाता है। क्योंकि 60 बच्चे रखे आ, और दिक्कतां सानू बहुत ज़्यादा परेशानी शुरुआत तो भी हुई हूँ भी हजे तक, क्योंकि असी घर ते लिया शुरू अपनी सेविंग तो शुरू किया ही शुरू तो ही, और हजे तक चल रहा है। लोग फोन कॉल इन्ने करते हैं, मैं फिलहाल मैं इन्नी टेंशन होंगी है कि खाना जो महीने का जो टाइम आता है लास्ट उदो बहुत ज़्यादा स्थिति हमारी खराब होंगी है, और जिन्ना हो सकता असं अपने को कर रहे हैं, और लोग भी आले दुआले दे जितों आप डोग लैके आईदा है थोड़ा बहुत कर देंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 76 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੌਂਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ 25 ਕੁੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਔਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ, ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੇਵਿੰਗ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਡੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਇੰਨੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਲਾਸਟ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। आज मैम क्या नाम है आपका, और कब से ही आपने ये शुरुआत की है सेवा करने की, और कितने डॉग्स हैं अपने घर में रखे हुए? हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मेरा नाम रजनी है और हम 3 सिस्टर हैं और मेरे मदर हैं। हम 5 साल से जो है ये बच्चों की सेवा कर रहे हैं, और ये जो हमने अपने मम्मी डैडी से सीखा है, क्योंकि वो शुरू से ही उनकी सेवा करते आए हैं, तो उनको देख देख के ही हमने ये बच्चों की सेवा करनी शुरू की है। बाकी ये है कि हम पहले मैं स्टडी कर रही थी, बीटेक की हुई है मैंने, उसके बाद मैंने सोचा था कोई अच्छी जॉब करूँगी, गवर्नमेंट के लिए ट्राई करूँगी, वो तैयारी कर रही थी। पर ये है कि अचानक ही हमें भगवान ने इस चीज़ के लिए चुना है, सेवा के लिए, इतनी बड़ी सेवा के लिए कि हम इतनी बड़ी सेवा कर पा रहे हैं। जैसे कि शुरू से ही हमने मम्मी डैडी को देखते आए हैं, वो कोई भी डॉग होता था उसको लेके आते थे, उसका इलाज करवाते थे, वैसे ही अब हम कर रहे हैं। कोई भी बच्चा दिखता है हम उसको लेके आते हैं, इलाज करवाते हैं, तो अभी सारी लाइफ हमने यही सोचा है कि कितने डॉग्स हैं आपके पास और दिखते क्या क्या आती है आसपास में, या कोई मुश्किल?
अभी हमारे पास 60+ बच्चे हैं यहाँ पे, और जो हमारे घर पे हैं वहाँ पे 8 बच्चे हैं। ये हमारे 2 घर हैं, ये हमने किराए पे लिया है और जो है वो हमारा घर है, क्योंकि हमने शुरुआत वहाँ से की थी। वहाँ पे हमारे पास 20 से 25 बच्चे हो गए, ज़्यादा हो गए, और गली मोहल्ले में भी काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, और जगह छोटी होने के कारण हमने ये रेंट पे घर लिया है। 5 साल हो गए हैं, अभी 60 बच्चे हैं, दिक्कतें हमें काफ़ी आ रही हैं, हमारी काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों से। लोग बोलते हैं पागल हो, कुत्तों के पीछे भाग रहे हो। हम जब रेस्क्यू करने भी जाती हूँ ना मैं, लोग ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई अजीब से होते हैं। डॉग को पकड़ते हैं, मुंह बनाते हैं, छी 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 ये गंदा है, मतलब इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, पर हम इग्नोर करते हैं सारी चीज़ें। हमें उस टाइम सिर्फ बच्चे का दर्द दिखता है कि उसको कैसे ठीक करना है। उसको गोद में पकड़ के एक्टिवा के पीछे बैठ के हम लेके आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर यहाँ पे घर लेके आते हैं, फिर उसका जो जो डॉक्टर ट्रीटमेंट बताते हैं रेगुलर वहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। तो ये हमारे लिए जानवर नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। जैसे लोग कहते हैं हमारे बच्चे हैं, बच्चे हैं, हमारे लिए भी ये सिर्फ इंसान नहीं है, जानवर है, पर हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ ही सोते हैं।